मिया बीवी राजी तो क्या करेगा काझी असं आपण नेहमीच ऐकत आलोय, पण हिंगोलीत काझींनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे लग्न सोहळेच थांबलेत। नेमकं काय घडलं हिंगोलीत बघूया। कायदा करूनही देशात हुंडा पद्धत काही बंद झाली नाही। मुस्लिम धर्मात तर हुंडा घेणं हराम मानलं जातं, मात्र तरीही मुस्लिम समाजातही लग्नाचा बडेजाव तसंच हुंड्याची पद्धत सुरू आहे। या प्रथेला आळा घालण्यासाठी कळमनुरी इथले काझी पुढे सरसावलेत। हुंडा देणाऱ्या आणि घेणाऱ्या मुस्लिम वधूवरांचं लग्नच न लावण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलाय, त्यामुळे अनेक हुंडे बहादरांची पंचायत झाली आहे। ये निकाह को इतना आसान बनाओ कि गुनाह मुश्किल हो जाए। तो आज लॉकडाउन में माशाल्लाह आसान से आसान शादियाँ हो रही है, तो मैं तमाम हजरात से यही गुजारिश करूँगा कि अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी एकदम आसानी से करें, शादी के साथ करें, बगैर हुंडा के शादी करें। मुस्लिम समाजात काझींशिवाय लग्न लागणं शक्यच नसतं, त्यामुळे त्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेचं पुरोगामी मुस्लिम बांधव तसंच महिला वर्गानं स्वागत केले। हुंडा लेने का हमारे काजी ने बताया सुन्नत तरीका है हुंडा नहीं लेने का। इस तरीके से इस्लाम जी में इस्लाम से भी नहीं है हुंडा लेने का, और शादी कर हुंडा लोगों ने नहीं लेना चाहिए, सब ऐसा ही करना चाहिए। आजकल माँ बाप बहुत परेशान है, एक तो लॉकडाउन की वजह से, फिर दूसरा कर्ज पानी के और जायदाद हुंडा वगैरह की वजह से। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ये जैसा लॉकडाउन में शादी कर रहे, लॉकडाउन खुलने के बाद में भी आप वैसी शादी करें। अत्यंत साधेपणानं हे विवाह सोहळे होत असल्यानं रुसवे फुगवे हवेत फिरून गेलेत, त्यामुळे काझींनी घेतलेल्या निर्णयाचं कौतुक करावं तेवढं थोडं। हिंगोलीहून गजानन देशमुख सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई।